सरस्वती की पूजा करते हैं, हमारे यहाँ आराध्य देवी सरस्वती मानते हैं, लेकिन जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन हनुमान जी को तो क्या कहा है? ऐसा क्यों करते हैं? सामान्य तौर पर सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो हनुमान जी का मंदिर होता है वहां। मैं जब छोटा था तो मैं उसकी मजाक उड़ाता था और मैं कहता था कि हनुमान जी इसलिए नमन करके जाता है कि अगर एग्जाम में चोरी करने के लिए कोई चीख लेके गया है और पकड़ा गया तो मास्टर जी को पता होना चाहिए, हनुमान जी का पकड़ा है दिखा देगा। तो मैं स्कूल के अंदर चुटकुले सुना देता था तो उसका हिस्सा था, लेकिन हकीकत ये है कि मन में भाव रहता है आत्मविश्वास का, ये बहुत आवश्यक होता है। और ये आत्मविश्वास को जड़ी बूटी नहीं है जी, कि मम्मी कह रहे हैं एग्जाम में जाने के पहले ये टैबलेट ले लेना, वैसे नहीं होता है। आत्मविश्वास हो गए लंबा सा भाषण सुन ले तो भी आत्मविश्वास आ जाता, ऐसा नहीं है। हमने अपने आप को हर पल कसौटी पर कसने की आदत डालनी चाहिए। कभी मान लीजिए हमारे घर में कहीं पर छोटी पहाड़ी है या घर के पास कहीं कोई बड़ा मकान है, शहर के सब कहीं तीन मंजिला मकान है, चलो देखते हैं। तीन दोस्त सबसे पहले शहर के फिर कौन चढ़ के जाता है? जो चढ़ेगा उसको आत्मी बताएगा, जो नहीं चढ़ेगा उसको मैं भी चढ़ा दूसरे दिन मेहनत करेगा। आत्मविश्वास हर कदम पर कोशिश करते 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 बढ़ता है और हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। और इसलिए निरंतर एक कोशिश होनी चाहिए कि मैं जहां हूं उससे मुझे कुछ और अधिक करना है और इसके लिए जो मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। आप लोग समय तक टीवी देखते नहीं होंगे, लेकिन अभी भी एक खबर मेरे दिल को छू गई।